मुझे जहां तक याद है कि कोई जोम्बी वाली मूवी होती है जिसमें जोनर हॉरर का होता है, रेजिडेंट इवल से कोई मूवी आगे निकल पाई हो, और ये बात मैं इस सीरीज के बारे में भी कह सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फियर द वॉकिंग डेड वेब सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 6 सीजन है, अभी फिलहाल मैंने फर्स्ट सीजन ही देखा है जिसके अंदर टोटल 6 एपिसोड है। और जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा, सच कजन कह रहा हूँ यार, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इसके बाकी एपिसोड देखने के, क्योंकि इतना ज्यादा वो एडिक्टेबल है, मतलब कि आप जैसे ही उसको देखना शुरू करते हो आप अपने आपको रोक ही नहीं पाओगे कि भी इसके बाकी के एपिसोड में क्या हुआ, इतनी ज्यादा आपको तलब लग जाएगी। रेजिडेंट इवल मूवी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे उसके अंदर आपको दिखाया गया था कि वायरस कैसे फैला था, वायरस बना कैसे था, कैसे उसे फैलाया गया था, फिर लोगों में धीरे धीरे चेंजेस आता है, वो लोगों को खाना शुरू करते हैं और ऐसे वायरस फैलता। मैं सच कहूं मेरा वो बेस्ट एक्सपीरियंस था उस मूवी को देखने का। उसकी स्टार्टिंग की 3 मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन बाद की जो मूवी है मैं ये कहूंगा कि यार उसको खाना पूर्ति के तरीके से ही मतलब बनाया गया, उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पाता। लेकिन फर्स्ट 3 जो मूवी है वो बहुत कमाल की थी, मुझे काफी ज्यादा उसमें डर भी लगा था। पर इस सीरीज के अंदर जैसे एक आम इंसान रिएक्ट करता है ये वायरस फैलने पर, उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, फिर आर्मी आती है, फिर आर्मी कंट्रोल करती है, लोगों के अंदर दंगे भड़क जाते हैं, तो ये सब चीजें बहुत बखूबी से इस सीरीज के अंदर दिखाई गई है। देखो जो भी मूवी या सीरीज जोम्बी से रिलेटेड होती है तो उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हाँ भी वो जो है वो वायरस कैसे फैला था लोगों के अंदर, उसका स्टार्टिंग में रिएक्ट कैसे होता है, कैसे उस चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं, और जो यहां से स्टार्टिंग से जो बेस से जो इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू होता है उसको फिर वो कायम रख पाते हैं, नहीं रख पाते, ये वाली जो चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस सीरीज के अंदर इन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके से हमारा इंटरेस्ट इनके अंदर कायम रखा, क्योंकि यार हम देखते हैं कि बहुत सी जोम्बी वाली मूवीज ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब एक नई जोम्बी वाली मूवी जब आती, ऑब्वियसली ये बहुत पुरानी है लेकिन मैं कह रहा हूं कि इससे भी पहले आ चुकी थी, और जो भी नई आती है तो वहां पर एक ऑडियंस का अट्रैक्शन एक नई जोम्बी की तरफ लेके जाना कि हाँ भी इसके अंदर कुछ अलग देखने को मिलेगा, कैसे अलग देखने को मिलेगा, तो ये जो वाला काम है ना इस सीरीज के अंदर आपको बखूबी बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत की, आपको आसानी से देखने को मिलेगा। आई होप सो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि मैं ये सीरीज जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, यानी जिंदा मुर्दों के ऊपर बेस्ड है, और ये वायरस लोगों में फैल रहा है तो लोग अपने आप को बचाने के लिए मतलब प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे अपने आप को जिंदा रख पाए, कुछ फैमिली जो है वो इसके अंदर मतलब सर्वाइव करने की मेहनत कोशिश कर रही है। पहले तो मैंने ये सोचा कि यार इसका जो रिव्यू है मैं जब पूरी कंप्लीट कर लूंगा तब मैं कर लूंगा, बट मेरे दिल ने कहा कि नहीं यार, तुझे अपनी खुशी है वो शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ, उनको बताना चाहिए कि कितनी अच्छी सीरीज है, और वो भी कहीं ना कहीं मतलब इस सीरीज को देखना शुरू कर दें। और मेरे ख्याल से जिनको जोम्बी वाली मूवी काफी पसंद है और जिनको ये जो जोम्बी से हॉरर क्रिएट होता है और वो हॉरर जो है वो डर जो है वो देखने में मजा आता है, तो उनके लिए ये जो सीरीज है वो धमाका है। और हाँ, एक गुड न्यूज तो देना आप लोगों को भूल गया कि यार ये जो सीरीज है वो आपको हिंदी में डब मिल जाएगी, तो ये वाला आप डर निकाल देना कि यार इंग्लिश में मिलेगी यार इसको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बेशक आप लोग इसको हिंदी में देख सकते हो। और हिंदी डब की बात करूं तो काफी अच्छी डबिंग की गई है, कोई फालतू का डायलॉग या फिर कोई बेकार की कोई लाइन इसके अंदर नहीं घुसेड़ेगी, जो एज इट इज, क्योंकि मैंने नीचे जो सबटाइटल थे मेरे पास मैं जब देख रहा था तो सारे जब जो सुन भी रहा था तो मैं उनको कंपेयर करता चला, तो काफी अच्छे मतलब बहुत अच्छे से की गई है इसकी डबिंग को। अब काफी सारों के मन में यह सवाल उठेगा कि यार इतनी बड़ी सीरीज है, 6 सीजन है, तो इसके अंदर वीएफएक्स कैसे रखे गए होंगे, क्या इतना उन्होंने भारी खर्चा उठा लिया होगा कि यार वीएफएक्स भी बहुत कमाल के रखे गए। मैं ये कहूंगा कि यार कमाल के बहुत जबरदस्त वीएफएक्स रखे हैं इन्होंने यार, कि जब आप किसी ज़ॉम्बी को देखोगे तो एक पल तो आप लोगों को बेशक डर लग जाएगा कि इतने कमाल के इन्होंने वो मेकअप, इतना बढ़िया वीएफएक्स इन्होंने रखा है, यार देखकर मजा आ जाता है। मुझे नहीं पता कि ये पूरी सीरीज कब मैं खत्म कर पाऊंगा, कि ऑब्वियसली यार 6 सीजन है, बहुत बड़ी सीरीज है, अब लाइफ में और भी टाइम हमें किसी और को देना पड़ता है, किसी और चीजों में लगाना पड़ता है, तो मुझे नहीं पता कि ये सीरीज कब खत्म होगी, बट जब खत्म भी हो जाएगी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा और अच्छे से हर एक करेक्टर की वहां पर मैं बात करूंगा कि हाँ भाई जो इस वीडियो में मैंने नहीं किया, और मेरा मन तो था करने का लेकिन नहीं यार, अभी मैं उनको अभी धीरे धीरे अभी देख ही रहा हूं कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे वो चीजें चल रही, तो आने वाले टाइम में जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी मैं आप लोगों के साथ अच्छे से बिल्कुल प्यार से शांति से बैठ के आपके साथ मैं बात करूंगा। तो अभी फिलहाल इस सीजन के फर्स्ट सीजन को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10। सर अगर किसी ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। खबरदार अगर कोई भी स्पॉइलर लिखा तो, मैंने नहीं बताया तो आप भी नहीं लिखोगे, और जिन्होंने नहीं देखी यार किस चीज का वेट कर रहे हो यार, काफी अच्छी सीरीज है, देखना शुरू करो, बहुत अच्छी एक सीरीज आपको मतलब एक एंटरटेनिंग एक हॉरर बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, मतलब एडल्ट वाला तो मुझे इसमें अभी तक फर्स्ट सीजन में कुछ नहीं मिला, मतलब मैं ढूंढ नहीं रहा हूं, मतलब मिला नहीं, अच्छी चीज है। तो बस आज के लिए इतना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।